पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके लिए तैयारियां अभी से तेज होती जा रही हैं। सत्ताधारी टीएमसी जहां विपक्षियों के हर दाव को फेल करने की रणनीति बना रही है, तो वहीं केंद्र की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी ममता के गढ़ में सेंधमारी के लिए नया प्लान तैयार कर रही है। जी हाँ, अब बीजेपी ने कोलकाता में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए नई योजना बनाई है, जिससे टीएमसी का बेचैन होना तय है। लोकसभा चुनाव 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने जब पश्चिम बंगाल की 42 में से 18 सीटों पर जीत दर्ज की, तब से ही सूबे में विधानसभा चुनाव 2021 की तैयारियां शुरू हो गई थी, जिसे अब बीजेपी धीरे धीरे धारते रही है। दरअसल लोकसभा चुनाव में भले ही बीजेपी 18 सीटों पर जीत दर्ज करने में कामयाब रही हो, लेकिन बंगाल की राजधानी कोलकाता में बीजेपी कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई। यहाँ उत्तर से लेकर दक्षिण तक सत्तारूढ़ टीएमसी के पक्ष में ही मतदान हुआ था। ऐसे में अब विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने विशेष रणनीति बनाई है। जी हाँ, अब बीजेपी बांग्ला भाषी लोगों के सहारे कोलकाता फतह की तैयारी में जुट गई है। इसीलिए पार्टी ने कोलकाता के प्रमुख सांगठनिक जिलों में चेहरा बदला है। 2 जिलों के अध्यक्षों को बदल दिया गया है। नॉर्थ कोलकाता की जिम्मेदारी हिंदी भाषी दिनेश पांडे के हाथ में थी, लेकिन अब उन्हें हटाकर शिवाजी सिंह रॉय को अध्यक्ष बनाया गया है। करीब एक साल पहले शिवाजी सिंह रॉय ने कांग्रेस छोड़कर तृणमूल कांग्रेस का दामन थाम लिया था, लेकिन 5 महीने पहले उन्होंने तृणमूल कांग्रेस का भी साथ छोड़ दिया और बीजेपी की सदस्यता ले ली। माना जा रहा है कि नॉर्थ कोलकाता क्षेत्र में रहने वाले बांग्ला भाषी लोगों के बीच पार्टी की पैठ बनेगी। इसी तरह से दक्षिणी कोलकाता में भी बदलाव किया गया है। यहां मोहन राव को हटाकर सोमनाथ बनर्जी को दक्षिण कोलकाता जिला अध्यक्ष बनाया गया है। सोमनाथ बनर्जी पहले से ही साउथ सबर्बन के अध्यक्ष हैं। अब उन्हें साउथ कोलकाता की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। माना जा रहा है कि अब बांग्ला भाषी लोगों तक पहुँचने में बीजेपी को सुविधा होगी। हालांकि अंदर खाने इस तरह की भी चर्चा है कि इस बदलाव से हिंदी भाषी कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। ऐसे में अब बीजेपी का ये बदलाव पार्टी के लिए कितना कारगर साबित होता है, ये देखना होगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।